सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप US का फेक WhatsApp नंबर कैसे ले सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए, और उस पर WhatsApp भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो दोस्तों, जिस एप्लीकेशन के थ्रू मैं वही US का नंबर लेऊंगा लाइफ टाइम के लिए, उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों टैक्स नाम। आप ये देख सकते हैं, मेरी डिस्प्ले पर भी ये एप्लीकेशन देख सकते हैं। सो दोस्तों, इस एप्लीकेशन की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसको प्ले मतलब गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर बैन है, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, जब हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइन अप पर क्लिक करना है। जब दोस्तों साइन अप पर क्लिक कर देंगे तो हमको साइन अप विद ईमेल पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों हमको बोलेगा कि यहाँ पर आप दो ऑप्शन देख सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी पर्सनल ईमेल और पासवर्ड यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक टेम्परेरी मेल ले लेनी है, उसको यूज़ करना है। सो दोस्तों, टेम्परेरी मेल आप कैसे ले सकते हैं? सिंपली आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। जब दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च करना है टेम्प मेल। जब दोस्तों टेम्प मेल सर्च करेंगे तो इसकी पहली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जब दोस्तों आप इसकी पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर टेम्परेरी मेल मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोडिंग भी स्टार्ट थी, और ये देखिए दोस्तों टेम्परेरी मेल मिल चुकी है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से टैक्स नाउ एप्लीकेशन में चले जाते हैं। दोस्तों जो हमने कॉपी मतलब ईमेल कॉपी की थी उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, और साथ में कोई भी पासवर्ड यहाँ पर हम उल्टा सीधा पासवर्ड फिल कर देंगे। यहाँ पर कोई भी वेरिफिकेशन नहीं मांगता है ये, यहाँ पर पासवर्ड फिल कर दिया हमने। पासवर्ड फिल करने के बाद साइन अप पर क्लिक करते हैं। जब दोस्तों साइन अप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखना है कि अदर का ऑप्शन कहाँ आ रहा है। आप अदर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको, फिर से दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको सेटअप पर क्लिक करना है। सेटअप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जितनी भी परमिशन मांगेगा आपको सभी परमिशन अलाउ करते हुए आगे बढ़ते जाना है। सो दोस्तों, जब परमिशन पर अलाउ कर देंगे, यहाँ पर आपको डू नॉट यूज लोकेशन पर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन पर डू नॉट यूज लोकेशन पर, जब दोस्तों डू नॉट यूज लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री योर एरिया कोड, यहाँ पर आपको एरिया कोड फिल करना है। मैं यहाँ पर 613 एरिया कोड फिल करता हूँ। अगर दोस्तों ये एरिया कोड आपके फ़ोन में काम नहीं करता तो आप यहाँ पर कोई भी 720 280 कोई सा भी एरिया कोड फिल कर सकते हैं। एरिया कोड फिल करने के बाद दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, फिर आई एग्री पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पर आपको गेटिंग फ़ोन नंबर, ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर 5 फ़ोन नंबर मिल चुके हैं। आप इनमें से कोई सा भी फ़ोन नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएंगे और यहाँ पर इन नंबर्स की जगह दूसरे नंबर मिल जाएंगे। सो दोस्तों, नंबर लेने से पहले आपको चेक कर लेना है कि कौन सा नंबर WhatsApp पर अवेलेबल है, मतलब WhatsApp पर बैन तो नहीं है। सो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इस तरह से ये नंबर याद कर और इस तरह से जाके WhatsApp में अपना चेक कर लेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ये अगर आप या इस तरह से चेक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके सामने बार बार ये प्रॉब्लम आएगी। और आपको नंबर चेक करने के लिए दोस्तों एक दूसरा फ़ोन लेना है, उसमें आप WhatsApp पर नंबर चेक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि मान लीजिए हमने दूसरा नंबर चेक किया और ये WhatsApp पर बैन नहीं है, WhatsApp पर अवेलेबल है। इस नंबर को हम लेने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर स्किप पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये नंबर हमें मिल चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों, 3 लाइन पर क्लिक कर हम यहाँ नंबर देख सकते हैं। ये रहा नंबर, आप देख सकते हैं दोस्तों। इस नंबर पर आप WhatsApp भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जब आप WhatsApp ID बनाएंगे तो जो OTP आता है, मतलब वेरिफिकेशन आता है, वो यहाँ पर मैसेज के थ्रू नहीं, कॉल आएगी। कॉल आप पिक कर लेना, उसमें वेरिफिकेशन कोड होता है, वो फिल कर आप OTP मतलब WhatsApp अकाउंट बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको WhatsApp अकाउंट बनानी है, US के नंबर से WhatsApp अकाउंट बनानी है, तो नीचे लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस, कैसे लगी आज की वीडियो? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना। चले दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।